हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए कार्टोग्राफी का, प्रयोगात्मक भूगोल का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आप लोगों ने डिमांड की थी, जिसका नाम है आइसोप्लेथ मेथड। आइसोप्लेथ मेथड, सममान रेखा विधि। सममान, इसके नाम से पता चल रहा है, जिसमें समान मानों को दर्शाया जाता है। मानचित्र के ऊपर किस प्रकार से समान मानों को दर्शाया जाता है, उसे हम बोलते हैं आइसोप्लेथ मेथड और सममान रेखा विधि। ठीक है, तो देखते हैं आइसोप्लेथ। आइसोप्लेथ बना किस भाषा से है और क्या उसका मतलब है वो जान लेते हैं पहले। मीनिंग है इसका आइसोस, दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसोस और प्लैंथोस। ठीक है, आइसोस का मतलब होता है समान और प्लैंथोस का मतलब होता है माप। ठीक है, तो समान माप, ठीक है, इसका मतलब ये निकला समान माप वाली रेखा, जिसका मान जो है वो समान है, चाहे वो कहीं पर भी प्रदर्शित हो रही है, उसका मान जो होगा वो एक होगा, उसे हम बोलते हैं समान रेखा। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल वैल्यूज, वो लाइंस जो इक्वल वैल्यू को दर्शाती हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसोप्लेथ मेथड। ठीक है, अब ये कौन सी भाषा का शब्द है, बड़ी बार एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, तो ये आइसोप्लेथ जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या इसकी डेफिनेशन है, तो मानचित्र पर किसी वस्तु के समान मूल्य या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समान रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, मानचित्र के ऊपर जब समान मूल्यों को दर्शाया जाता है इस प्रकार से, फॉर एग्जांपल ये मानचित्र है, पर जब समान मूल्य को जब हम दर्शाएंगे, ठीक है, रेखाओं पर, मानचित्रों को, तो उन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, समान रेखाएं या आइसोप्लेथ मेथड। ठीक है, अब इस प्रकार से मानचित्र के ऊपर कौन कौन सी समान घनत्व या समान मान वाली यूनिट्स को दर्शाने वाली कौन कौन सी रेखाएं, उनको किन नामों से पुकारते हैं, जैसे कि जो समान ताप को रेखाएं दर्शाती हैं मानचित्र के ऊपर, अगर हम ताप दर्शा रहे हैं किसी भी क्षेत्र का, मान लो जून में इंडिया का जो तापमान है वो कितना है, तो उन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आइसोथर्म्स। ठीक है, अगर समान वायुदाब को रेखाएं दर्शा रही हैं तो उन रेखाओं को हम बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है, अगर समोच्च रेखाएं समान हाइट को जो रेखाएं दर्शाती हैं, जो इक्वल हाइट प्रदर्शित कर रही हैं, जैसे ये हाइट है इक्वल प्रदर्शित कर रही हैं किसी भी मानचित्र के ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से ये इक्वल हाइट को दर्शा रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1000 मीटर है हाइट, फिर इसके बाद यहाँ पर 1100 मीटर है हाइट। ठीक है, तो ये समान, ये जहाँ जहाँ से ये लाइन क्रॉस हो रही है वहाँ वहाँ पर हाइट जो है वो 1100 होगी, जहाँ जहाँ पर ये लाइन क्रॉस हो रही है वहाँ पर हाइट जो है वो 1000 मीटर होगी। ठीक है, उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 900 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इट मीन्स जहाँ जहाँ से ये लाइन क्रॉस हो रही है वहाँ पर हाइट जो है वो कितनी है, 900 मीटर है। तो इस प्रकार की रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, जो समान हाइट को दर्शाती है उन्हें बोलते हैं कंटूर लाइंस। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग यूनिट्स को या अलग अलग चीज़ों को दर्शाने के लिए अलग अलग रेखाओं के नाम से उन्हें पुकारा जाता है। तो जब इस प्रकार की रेखाओं को किसी मानचित्र के ऊपर समान वायुदाब या समान हाइट को या समान तापमान को दर्शाया जाता है जब किसी मानचित्र के ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं आइसोप्लेथ मेथड। ठीक है, तो ये है आइसोप्लेथ मेथड। आइसोप्लेथ मेथड की परिभाषा क्या निकली है, तो आइसोप्लेथ मैप जो होता है वो क्या है, मानचित्र में किसी वस्तु की ज्ञात मात्राओं को या मूल्यों को, कोई भी मात्रा है या मूल्य है या टेम्परेचर है या प्रेशर है, को स्थानिक ऊंचाइयों की तरह यथास्थान लिखते हैं। ठीक है, तो आइसोप्लेथ मैप में क्या करते हैं कि मानचित्र पर किसी भी वस्तु की ज्ञात मात्रा को, उसकी ऊंचाई को, उसके वायुदाब को हम यथास्थान पर, जैसे यहाँ पर इट मीन्स इस क्षेत्र में भी जो हाइट है वो 1100 है, इस क्षेत्र में भी 1100 है, इस क्षेत्र में भी 1100 है। ठीक है, तो उसको जो हम लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोप्लेथ मैप। ठीक है, इस प्रकार से और क्या करते हैं, इन मूल्यों को किसी उचित अंतराल पर अंतर्वेशित करके मानचित्र में समान रेखाएं खींच देते हैं। ठीक है, उचित अंतराल के ऊपर, जैसा कि कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पर हमारे मैप है, फॉर एग्जांपल इंडिया का मैप है, तो उचित अंतराल के ऊपर, जैसे यहाँ पर अगर हाइट है 1000 मीटर, ठीक है, तो दूसरी की हाइट होगी उचित अंतराल, मतलब इसमें 100-100 का अंतराल है, यहाँ पर कितनी होगी 1200 मीटर। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर अंतराल के ऊपर ही इनको खींचा जाता है, तो इस प्रकार के मेथड को हम बोलते हैं आइसोप्लेथ मैप या आइसोप्लेथ मेथड। ठीक है, और क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वस्तु के बारे में वितरण के बारे में सही सही एवं पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हैं। ये मैप हम तभी बना सकते हैं जब हमें पता है कि किसी क्षेत्र में यहाँ के बारे में सूचना, यहाँ के बारे में सूचना, यहाँ के बारे में, जब हमें सटीक इन्फॉर्मेशन होती है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, तभी ही इन मानचित्रों को हम बनाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इस मानचित्रों में वस्तु का वितरण पूर्णतः संक्रामी प्रकृति, ट्रांजेक्शनल का है, तो उपयोगी होता है।
ठीक है, जो वस्तु है जो भी हम दिखा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइट दिखा रहे हैं, तो उसका अगर उसकी प्रकृति वो पूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 900.5 या 900.10, ठीक है, तो वो पूर्ण अंक होना चाहिए, तभी उसकी वो उपयोगी रहता है दर्शाने के लिए। और इसके विपरीत अत्यधिक परिवर्तनशील वेरिएबल तत्वों जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी में को दर्शाने में कठिनाई होती है। अगर जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल किसी क्षेत्र की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस है, जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पर 100 है, फिर उसके बाद उसमें वेरिएशन हो रही है वो 150 है, फिर यहाँ पर 200 है, ठीक है, बहुत सारी वेरिएशंस है जब हमारे पास, तो मतलब आंकड़े जो है वो लगातार जब चेंज हो रहे हैं, तो उन आंकड़ों को दर्शाने में हमें क्या होती है, कठिनाई होती है। तो इट मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह वाली जो चीजें हैं, जनसंख्या का घनत्व, तो इस मेथड के द्वारा दर्शाने में उपयोगी नहीं रहता है। उसके लिए हम कौन सा मेथड अपनाते हैं, उसके लिए हम कोरोप्लेथ मेथड जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसको अपनाते हैं। इसके अलावा ये मेथड किन चीजों को दर्शाने के लिए, आइसोप्लैथ मेथड किन चीजों को दर्शाने के लिए सबसे बेस्ट रहता है, तो वो होते हैं यूजेस क्या है इसके, जलवायु के तत्वों जैसे फॉर एग्जांपल तापमान, वर्षा, पवन वेग और वायुमंडलीय दाब जैसी चीजों को दर्शाने के लिए ये मेथड सबसे ज्यादा उपयोगी रहता है। मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा से कि तापमान दर्शाना हमने किसी क्षेत्र का, वर्षा दर्शानी है या पवन वेग दर्शाना है या वायुमंडलीय दाब दिखाना है, तब ये मेथड जो है सबसे ज्यादा उपयोगी रहता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होती है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इस मेथड के द्वारा कैसे मानचित्र पर हमें इस मेथड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, आइसोप्लेथ मैप को कैसे बनाए जाते हैं वो जान लेते हैं। तो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, आउटलाइन ऑफ मैप रिक्वायर्ड। सबसे पहले हमें किसी भी मानचित्र की आउटलाइन मैप जो है वो रिक्वायर्ड है, वो हमें बना लेना होता है, ठीक है, इस मेथड के लिए। दूसरा स्टेप क्या होता है, ऑल पॉइंट्स अबाउट डाटा आर अवेलेबल मस्ट फिक्स्ड ऑन मैप। जैसे कि जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये मानचित्र है अगर हम इसे दर्शा रहे हैं, तो जहां जहां पर जो जो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टेम्परेचर का मैप बना रही हूँ, ये वर्षा टेम्परेचर दर्शा रहे हैं हम भारत का, तो जहां जहां पर पूरे पूरे भारतवर्ष में जो टेम्परेचर है उसको हम बिंदुओं के द्वारा और वहां पर अंकित कर देंगे रेखा, उनकी वैल्यूज को उनको अंकित कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टेम्परेचर जो है फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री है, यहाँ पर भी 30 डिग्री है, यहाँ पर 20 डिग्री है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर भी 30 डिग्री है, यहाँ पर भी 30 डिग्री है, अलग अलग जगह पे यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 डिग्री है, ठीक है, तो पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पर 30 30 डिग्री होगा, ये जो भी उसकी वैल्यूज होंगी उनको हम सबसे पहले अंकित कर देते हैं किसी मानचित्र के ऊपर। उसके बाद ये करते हैं, लार्जर द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डाटा मोर एक्यूरेट विल बी आइसोप्लेथ मेथड। मतलब जितना ज्यादा हमारे पास लार्जर द डाटा, जितना ज्यादा हमारे पास डाटा उपलब्ध होगा उतना ही आइसोप्लेथ मैप जो है वो सटीक बनेगा, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। इसके अलावा समोच्च रेखाओं का अंतराल निश्चित करते हैं, ठीक है, ये जो समोच्च रेखाएं हैं, जो कंटूर मैप्स हैं, उनका अंतराल को हम देखते हैं कि किन कितनी कितनी दूरी, फॉर एग्जांपल ये समोच्च रेखाएं हैं, इन पे कितना कितना अंतराल है वो देख लेते हैं हम सबसे पहले, कि अगर यहाँ पर 100 100 या 1000 मीटर का अंतराल है तो उसको हम देख लेंगे सबसे पहले, और अंतराल को पूर्णांक संख्याओं में लिखें, ठीक है, कोई भी जो अंतराल है उसको हमने पूर्णांक संख्या में लिखना है, 10 20 30, ऐसा नहीं करना है हमने कि 30.5, ठीक है, ऐसे लिखा, या 30.10, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है हमने, उनको हमने पूर्णांक मतलब पूरी एक्यूरेट पूरी एग्जैक्ट वैल्यू में उसको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यदि रेखा मान से कम और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों से निकलती है तो दोनों ऊंचाइयों को एक रेखा से जोड़कर रेखा के मान अनुसार इसे बांट लें। हाँ जी, अब ध्यान से सुनिए, इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर जो है 1200, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें 1200 मीटर की ऊंचाई निकालनी है और यहाँ पर 1200 दिया नहीं हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मान दिए हुए हैं वो कितने हैं, हमारे पास ये जैसे कि 1000 है, ये है 1300 है, ठीक है, 1200 हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, तो हम इस प्रकार से आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1300 है और यहाँ पर हमारे पास 1100 है, लेकिन हम ये लाइन जो आई ये 1100 की आई और ये लाइन जो आई ये 1300 की आई, ठीक है, ये मान लिखे गए हैं दोनों के दोनों मान। अब हमने कैसे निकालना है 1200, इन दोनों मानों के बीच में, इन दोनों 1300 और 1100 के बीच में क्या आएगा, 1200 आएगा, तो
यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इस प्रकार से डॉटेड लाइन हम खींच लेते हैं दोनों मानों के बीच में, और इस प्रकार से इस मान को निकाल लेते हैं, ये आ गई हमारे पास 1200 की लाइन। ठीक है, जब हमारे पास कोई मान नहीं दिया होता है तो हम दो मानों के बीच में आइडिया से उसको रेखा को खींच करके हम तीसरे मान को निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दोबारा से बता देती हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पर 10 लिखा हुआ है डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ पर हमारे पास 30 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन हमें 20 डिग्री को भी, क्योंकि अंतराल जो है वो क्या होगा, अंतराल सेम होता है, जैसे 30 के बाद 40 आएगा, 40 के बाद 50 आएगा, इस प्रकार से समान अंतराल 10-10 डिग्री का अंतराल हमें लिखना है, लेकिन अगर हमारे पास 20 डिग्री अंतराल की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम खुद आईडी से दोनों रेखाओं के बीच में तीसरी रेखा को खींच करके और यहाँ पर पॉइंट लगा करके और हम निकाल लेते हैं कि दोनों डिग्रियों के बीच का अंतराल जो होगा वो 20 डिग्री होगा, क्योंकि 30 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो कम ही होगी, उन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। इस प्रकार से हम जो है आइसोप्लेथ मैप में वो वैल्यूज जो नहीं भी दी होती हैं उनको दोनों वैल्यूज में से माइनस करके उनको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये था मेथड किसका, आइसोप्लेथ मेथड को किस प्रकार से, मैप्स को किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको इन सब के बारे में बताया। अब इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स, इसके क्या उपयोग हैं और क्या इसके दोष हैं, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।